नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मेट्रोजिल ओ टैबलेट के बारे में, और इस छोटी सी वीडियो में आपका कम से कम समय लेते हुए आपको इस दवा के बारे में वो सब कुछ बताने वाला हूँ जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरुआत करते हैं मेट्रोजिल ओ टैबलेट के एक छोटे से परिचय से, एक इंट्रोडक्शन से। दोस्तों, ये दवा है मेट्रोजिल ओ टैबलेट, ये जेबी केमिकल की दवा है, और जेबी केमिकल बहुत ही पुरानी, बहुत ही अच्छी और एक वेल रेपुटेटेड कंपनी, मतलब हम इसके क्वालिटी पर भरोसा कर सकते हैं। मेट्रोजिल नाम से एक दवा आती है, मार्केट में बहुत लंबे समय से आती है और बहुत ही फेमस है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तो ये ऐसी कंपनी है इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर जो दवा है मेट्रोजिल ओ, ये किस लिए यूज़ की जाती है, इसका डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं। दोस्तों देखिए, जो दवा है मेट्रोजिल ओ, ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक और एंटी पैरासाइटिक दवा है। अब इसका इस्तेमाल उन सभी स्थिति में करते हैं जिनमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो और जिनमें पैरासाइट्स इन्वॉल्व हो। देखिए, जैसे मिक्स इन्फेक्शंस में, जैसे कि जहाँ पर बैक्टीरिया भी है और पैरासाइट्स भी हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपका डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, इसके अलावा जो हमारे मुंह में जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि स्पेशली जो हमारे दांतों में इन्फेक्शन होते हैं, हमारे मसलों में सूजन होता है, उसमें मिक्स इन्फेक्शन होते हैं, उसमें इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कोई घाव हो गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वहाँ पर मिक्स इन्फेक्शन हो गए हैं तो मतलब ये बहुत ही अच्छी दवा है। अब आइए समझते हैं कि आखिर जो दवा है ये किस तरीके से काम करती है, मेट्रोजिल ओ किस तरीके से काम करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। दोस्तों, मेट्रोजिल ओ टैबलेट में दो दवाइयाँ होती हैं, पहला होता है मेट्रोनिडाजोल 500 mg और दूसरा होता है ओफ्लॉक्सासिन 200 mg। अब ये जो ओफ्लॉक्सासिन होता है, क्या करता है, ये हमारा जो बैक्टीरिया होता है उसके सेल वाल को तोड़ देता है, इसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता है, जो है डिवाइड नहीं हो पाता है, अपनी मात्रा को बढ़ा नहीं पाता, इसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाता है। और जो अगली दवा है मेट्रोजिल, ये एक प्रकार की एंटी पैरासाइटिस होती हैं, ये क्या करती हैं, बैक्टीरिया जो पैरासाइट्स के DNA होते हैं उनको ये तोड़ देती है, चेंज कर देती है, इसकी वजह से जो है पैरासाइट बढ़ नहीं पाते हैं और पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। तो इस तरीके से मेट्रोजिल ओ दवा में ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल मिलकर के बहुत ही अच्छा काम करती हैं। अब अगर बात किया जाए इस दवा के साइड इफेक्ट्स के बारे में, दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो मेन दिखते साइड इफेक्ट वो ये होते हैं कि इसको खाने के बाद आपको हल्की हल्की सी नींद आ सकती है, हल्का हल्का सा सलेशन टाइप का हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको खूनी पेचिस हो रहा है, मतलब आपके स्टूल में खून भी आ रहा है, तो आप इस दवा का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आप किसी भी दवा का इस्तेमाल बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल भी ना करें। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, इसलिए आपको सिर्फ उसी दवाओं के बारे में एजुकेट मात्र कर रहा हूँ। अगर बात करें इसके MRP के बारे में दोस्तों, तो ये आपको मार्केट में 82 रुपये की 10 टैबलेट बड़े ही आराम से मिल जाती है। बहुत ही अच्छी दवा है, सस्ती दवा है, मार्केट में फेमस दवा है, यूनिक दवा है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये जो कॉम्पोजिशन है ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा है, और किसी और कंपनी में ये आता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेबी केमिकल में ही ये मेट्रोजिल और ओफ्लॉक्सासिन कंपोजिशन आता है, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो इसकी क्वालिटी पर भरोसा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं उसका अपडेट एटलीस्ट आपके फोन तक पहुंच सके। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तो सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।